राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि दैनिक भास्कर ऐप के सर्वे में लोगों ने जयपुर संभाग के 3 जिलों की 26 सीटों पर 13 मौजूदा विधायकों को बतौर उम्मीदवार पसंद नहीं किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक सीट पर मौजूदा विधायक के बेटे को लोगों ने नापसंद किया है। यहाँ विधायक ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। 12 विधायकों को लोग फिर से मौका देना चाहते हैं। इन 26 विधायकों में से 3 मंत्री भी हैं। इनमें से एक को लोगों ने नापसंद कर दिया है। यहाँ भाजपा के 3 विधायक हैं। इनमें से एक विधायक को लोग उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते। कांग्रेस के 20 विधायक हैं। एक विधायक के चुनाव लड़ने से इनकार करने पर सर्वे में शामिल 19 में से लोगों को 9 नापसंद है। झुंझुनू जिले के 7 में से 4 विधायकों को लोग दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते। दैनिक भास्कर ऐप के सर्वे में झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों पर लोगों ने 4 मौजूदा विधायकों को नापसंद कर दिया है। झुंझुनू, मंडावा और नवलगढ़ में मौजूदा विधायक लोगों की पसंद बने हुए हैं। 3 सीटों पर लोगों ने नया चेहरा भी पसंद किया है। दैनिक भास्कर ऐप के सर्वे में सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से लोगों ने 1 पर मौजूदा विधायक को नापसंद किया है। नीम का थाना दाता रामगढ़ समेत 6 सीटों पर मौजूदा विधायक लोगों की पसंद बने हुए हैं। दैनिक भास्कर ऐप के सर्वे में अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटों में से 7 पर लोगों ने मौजूदा विधायकों को नापसंद कर दिया है। अलवर ग्रामीण, मुंडावर, अलवर शहर और किशनगढ़ बास में मौजूदा विधायक लोगों की पसंद बने हुए हैं। 6 सीटों पर लोगों ने नया चेहरा भी पसंद किया है। दैनिक भास्कर ऐप के सर्वे में लोगों ने जयपुर संभाग के जयपुर और दौसा जिले की 24 सीटों पर 16 मौजूदा विधायकों को बतौर उम्मीदवार पसंद नहीं किया है, जबकि 8 को फिर से मौका देना चाहते हैं। दोनों जिलों के 24 विधायकों में 7 मंत्री भी है, उनमें से 4 लोगों को नापसंद कर दिया है। इन 24 सीट पर कांग्रेस के 16 और 1 सरकार समर्थक निर्दलीय विधायक है। इनमें से 8 को लोग उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते। भाजपा व निर्दलीय के 7 विधायक है। इनमें से 2 को लोगों ने नापसंद किया है। जयपुर जिले के 19 विधायकों में से 12 विधायकों को लोग दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते। दैनिक भास्कर ऐप के सर्वे में दौसा की 5 विधानसभा सीटों पर लोगों ने 4 विधायकों को नापसंद कर दिया है। लालसोट सीट पर ही मौजूदा विधायक लोगों की पसंद बने हुए हैं। 2 सीट पर 2 नए चेहरे भी सामने आए हैं। वही 2 सीट पर पूर्व प्रत्याशियों को सबसे ज्यादा समर्थन मिला है। राजस्थान के लोग मौजूदा सरकार के 32% मंत्रियों और कांग्रेस भाजपा के 44% विधायकों को विधानसभा चुनाव के लिए बतौर उम्मीदवार पसंद नहीं कर रहे हैं। पसंद नहीं किए जाने वालों में कांग्रेस के लगभग 40% और भाजपा के 50% विधायक हैं। इनमें निर्दलीय विधायक शामिल नहीं हैं। राजस्थान की सभी 200 सीटों के लिए किए गए दैनिक भास्कर ऐप के सर्वे में ये बात सामने आई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 महीने बाद चुनाव होने हैं। उससे पहले दैनिक भास्कर ऐप ने जनता के बीच सभी विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों को लेकर मेगा सर्वे किया। इसमें 3 राज्यों के 11.84 लाख लोगों ने अपनी राय जाहिर की। राजस्थान के लोगों ने 28 में से 19 मंत्रियों को प्रत्याशी के तौर पर पसंद किया है, जबकि 9 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें जनता नापसंद कर रही है। राज्य सरकार में अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा 28 मंत्री हैं। इनमें एक मंत्री सुभाष गर्ग राष्ट्रीय लोकदल से है और गठबंधन के तहत सरकार में शामिल है। पिछले दिनों मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा को बर्खास्त कर दिया गया था, इसलिए मंत्रिमंडल में 1 सीट खाली है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।